लोगों ने मुंबई की 30 सीटों के ऊपर उम्मीदवार तय किए, जिन लोगों ने अपने रिकमेंडेशन पे, अपने जिद पे सीटें मांगी हैं, उनके सीटों पर उन्होंने कितने काम किए, क्या काम किया और नतीजा क्या हुआ, इसका सही असेसमेंट मूल्यांकन होना चाहिए, इसका विश्लेषण होना चाहिए। और जो लोग दिल्ली में घूम घूम कर जिद करके अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हुए कोट अनकोट, यहां जो फेल हुए उसका हिसाब किताब उनसे पूछना चाहिए, मांगना चाहिए। जब तक पार्टी में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी संगठन चलता है तो जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, जो अच्छा काम नहीं करते उनको पनिश किया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। अब जरूरी है कि संगठन में यह सिद्धांत लागू होना चाहिए। अब बहुत समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी जो वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है पार्टी में काम करने की, उस परंपरा से थोड़ा मुक्ति पाए। एक ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है, एक पूरा जो एक प्रवृत्ति है, जो एटीट्यूड है पार्टी में, उस एटीट्यूड में बदलाव की आवश्यकता है। जो एरोगेंस है, जो अहंकार है पार्टी के नेताओं में, वो अहंकार कहीं ना कहीं छोड़ने की जरूरत है। अगर अभी भी हम अहंकार में रहे तो निश्चित तौर पर हमारा और भी नुकसान होगा। देश के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि आज ये देश की जो दुर्दशा है उसके लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस जवाबदार। क्यों भाई, मैं पूछता ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको जिस तरीके से लड़ना चाहिए बीजेपी से, एक सशक्त विपक्ष बन करके बीजेपी को एकदम से परास्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। ऐसी जीजीवसा, ऐसा एक ऐसी जीवटता नहीं दिखती है पार्टी के लोगों में, ऐसी एकता, ऐसी एकजुटता नहीं दिखती है, ऐसा संकल्प नहीं दिखता, ऐसी जिद नहीं दिखती है, और इसलिए लोग हमसे नाराज हैं। अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के अहंकारों से बाहर निकले, कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को साथ में लेके, उसका एक अपना एक उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की जनता के प्रति, देश के मतदाताओं के प्रति, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानते हुए आगे बढ़े, तब कहीं जाकर के निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक सशक्त विकल्प बनकर के उभरा जा सकता है। मैं आखिरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में बैठे जो नेतागण हैं उन सबको तय करना पड़ेगा कि जो लोग एकदम से जमीन पर उतर के काम करते हैं, जमीनी राजनीति करते हैं, जनता के संपर्क में रह के राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए, ऐसे लोगों का आदर होना चाहिए। जो लोग दरबारी राजनीति करते हैं और सिर्फ नेताओं के यहां चक्कर काट करके अपना हिस्सा लेके निकल आते हैं और वही उनको नेताओं को पसंद आते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति से पार्टी को निजात पानी पड़ेगी। जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी भूमिका महज AICC के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर होनी चाहिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या कहें कांग्रेस अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर जनरल सेक्रेटरी की भूमिका होनी चाहिए। उसका काम सिर्फ PCC और AICC के बीच एक लिंक का होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जनरल सेक्रेटरी एकदम कंट्रोल करने लगते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं और वही फैसले लेने लगते हैं, और जब जनरल सेक्रेटरी फैसले लेने लगते हैं तो जो पीसीसी के हाथ में जो एक विकल्प होता है वो हाथ से निकल जाता है। तो जो पीसीसी में बैठे लोग हैं, प्रदेश में जो काम करने वाले जो नेतागण हैं, उन सबके महत्व को, उन सबके कामकाज को, उन सबके फीडबैक को, उन सबके ओपिनियन को, उन सबके विचारों को कांग्रेस पार्टी में एक तवज्जो देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात वैचारिक मोर्चे पर मैं कहना चाहूंगा, वैचारिक मोर्चे पर एक बड़ा कंफ्यूजन है पार्टी में, उस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल में सब हुआ पड़ा है वैसे ही वैचारिक मोर्चे पर भी एक बहुत साफ भूमिका देनी पड़ेगी। देश की जनता देख रही है, पूछ रही है कांग्रेस से कि भाई अलग अलग विषयों पे आपकी भूमिका क्या है। तो अलग अलग विषयों पे मैं देखता हूं कि अक्सर कंफ्यूजन निकल के आता है दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों के नेताओं के बीच। इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, जो है वो बोलना पड़ेगा, जो सही है वो बोलना पड़ेगा, और कई बार जो आप सोचते आ रहे हैं उससे भी अलग हट करके आपको एक अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी, भूमिका लेके लोगों के बीच आना पड़ेगा। आज दुर्भाग्यवश जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव तय करती है उसी के पीछे हम लगे रहते हैं, जबकि यह अपोजिशन का धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि वो नैरेटिव तय करे और उसके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष काम करता है। हम अपना नैरेटिव तय करने में फेल हो जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव का जो जाल है उसमें अक्सर फंस जाते हैं और अपने आप को एक हतबल की तरह, कमजोर की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं। तो इस कमजोरी से निकलना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से इस हार से सीखते हुए
आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल लेवल पे क्या रिफॉर्म हो सकता, क्या बेहतरी हो सकती है, ये करना पड़ेगा, तब जाकर के पार्टी का एक भविष्य बेहतर हो सकता है। वरना आती जीतती हुई जो जीतते हुए जो चुनाव है वो चुनाव भी हम लगातार हारते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दुष्प्रचार में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव शुरू होने के 2 महीने पहले से इस प्रकार का माहौल बना देती है कि एकदम से वही जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार रही है, और इस चक्कर में हम सब एकदम परास्त हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसी हताशा और परास्त होने की जो भावना है उससे बाहर निकल करके लड़ने की क्षमता और लड़ करके जीतने का जो जिद है वो जिद पार्टी के अंदर पैदा करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। 24 तारीख को आपने कहा था कि 24 को मैं अपने बारे में अपनी भूमिका भी स्पष्ट करूंगा, तो आपने अपनी क्या भूमिका ली है? आप कांग्रेस में हैं? अभी तक तो कांग्रेस में हैं और उम्मीद भी करते हैं कि कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को भी ये भूमिका अपनी स्पष्ट करनी पड़ेगी। मैंने अपनी बात सामने रख दी है, लेकिन मेरी बातों के आधार पर पार्टी में कोई बदलाव हो, सबकी एक भूमिका तय हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और अगर ऐसी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे आगे जाकर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विकल्प, सशक्त विपक्ष के तौर पर उभरे, और हम सब उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को जो महत्व मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर पार्टी पूरे चुनाव में एक बिखरी हुई, बिखरे हुए संगठन की तरह उतरती है, जिसका नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव में भी लिया। टिक टेक करना, चलो आज टिक टेक करो, पड़ा लड़ाई हो गया।